हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय डिजिटल स्टोरीज। मैं हूं अंकिता। आप सब लोगों को बहुत बहुत स्वागत है मेरी चैनल में। अभी सुबह की 9:17 हो रही है और मैं बाहर की नज़ारा एक बार आप लोगों को दिखा देती हूं। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, पूरी माउंटेन्स जो है क्लाउड से भरी हुई है। कल रात में गैंगटॉक में बहुत बारिश हुई थी और आज भी होगी दोपहर के बाद से, और उससे पहले हम लोग आज निकल जाएंगे 11 बजे तक लाचुंग के लिए, जो गैंगटॉक से और भी ऊपर है, और आप लोगों को भी साथ में मैं ज़रूर लेके चलूँगी। तो चलिए आप लोग ये नज़ारा इन्जॉय कीजिए, मैं आपसे मिलती हूँ तैयार होके। मैं तैयार हो गई हूँ और 10:30 बजे तक ये देखिए पूरे जो क्लाउड्स है वो क्लियर हो गया और माउंटेन को बहुत क्लियरली अब मैं देख सकती हूँ। सो गाइज, वी आर ऑल सेट फॉर लाचुंग। आज हम लोग लाचुंग जा रहे हैं और जाने के टाइम कुछ साइट सीन्स है जो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। तो वापस जब आएंगे हम लाचुंग में, आज स्टे करेंगे और हम लोग आएंगे कल, तो हम लोग इसी होटल में ही रहेंगे, तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग लगेज कुछ रख के जा रहे हैं और कुछ लगेज हम लोग आज रात के लिए लेके जा रहे हैं। तो फिलहाल ये सब बैग्स जो है वो हम आज यहाँ पे रख के जा रहे हैं, हम कल इसी होटल में आके रुकेंगे। तो चलिए लेट्स गो। तो जी, हम सब लोग ब्रेकफास्ट करके थोड़ी देर में ही निकल जाएंगे क्योंकि MG मार्ग से हम लोगों को जाना होगा बाजरा टैक्सी स्टैंड। वहाँ पे हम लोगों की जो गाड़ी है, जो हम लोगों ने रिजर्व की है बड़ी गाड़ी, वो इंतजार कर रहा है। What are you doing? तो जी, आज हमारी दिन की शुरुआत चाय और समोसे से हो रही है क्योंकि इससे ज्यादा हम लोग अभी कुछ खा नहीं सकते। बहुत ऊपर जाना है, पता नहीं कैसे फील होगा। मुर्गी खिलाएगा, वेज नहीं खिलाएगा। हम लोग चिकन खाते हैं, चिकन खाते, मटन खाते ना, मटन तो ये नहीं खाते, लेकिन खाते हैं, चिकन ज्यादा पसंद करते हैं, चिकन ज्यादा नहीं खाना चाहते। लेकिन आपका यहाँ पे चिकन तो अच्छा टेस्ट होना चाहिए, पहाड़ी चिकन है। हम लोग जो खाना खाए बहुत अच्छा अच्छा खाना खाए आपके यहाँ पे, चिकन का जो डायरेक्ट पकाते ना, हाँ, उसको वो अच्छा नहीं होता है। ओ, उसको फ्राई करके हॉट होना चाहिए एकदम। अच्छा, डाल के हॉट होने से फिर खाने में मजा आएगा। ओके, अच्छा, अभी लाचुंग जाके खाइए चिकन। तो जी, हम लोग निकल गए हैं टैक्सी स्टैंड के लिए, लेकिन MG मार्ग से जिस टैक्सी में हम लोग जा रहे थे, उस टैक्सी का जो ड्राइवर भैया है वो बहुत ही फनी है और हम जैसे फूड लवर है, तो फूडी जब एक साथ मिलते हैं खाने की बात तो ज़रूर होगी। तो इसीलिए पहाड़ की खाने की बात, चिकन की बात करते करते हम लोग पहुँच चुके हैं बाजरा टैक्सी स्टैंड, और ये है हमारी गाड़ी जो हमको लाचुंग लेके जाएगा। और बाजरा टैक्सी स्टैंड से ये व्यू मैं आपको दिखा रही हूँ, बहुत ही खूबसूरत, चारों तरफ से पहाड़ी पहाड़, और ये नीचे देखिए कैसे ग्रीन हाउस मतलब प्लांटेशन है यहाँ पे। तो चलिए लाचुंग की सफर यहाँ से शुरू करते हैं और आप लोग भी चलिए मेरे साथ लाचुंग। हाँ, अब तो हमको भी लग रहा है कि हम भी फिर आएंगे और घूमेंगे। रॉक क्लाइंबिंग, लुक फ्रॉम दिस साइड, बाबा साइड। ये कौन सा वाटरफॉल है भैया? बागथांग।
लाचुंग जाते वक्त रास्ते में 3-4 वाटरफॉल्स है जो बहुत ही फेमस है, उनमें से ये एक है बागथंग वाटरफॉल। हम लोग यहाँ पे रुके नहीं क्योंकि हम लोग थोड़ा सा लेट से अपना जर्नी शुरू किए, तो नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग पहुँचते हैं और देखते हैं वहाँ पे कुछ अच्छा लगा तो हम लोग ज़रूर रुकेंगे और फोटो सेशन करेंगे और आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। पहाड़ में तो सब कुछ खूबसूरत है, ये दोनों डॉग्स को देखिए, ये भी कितना खूबसूरत है। बागथंग वाटरफॉल्स के बाद हम यहाँ पे आके रुके हैं, यहाँ पे बटरफ्लाई वाटरफॉल्स है जो बहुत ही ब्यूटीफुल है, तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुकते हैं और फोटो सेशन करते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं। तो गाड़ी से तो हम लोग बहुत पहले ही उतर चुके हैं, बटरफ्लाई फॉल्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। चलते चलते देखिए कितना लंबा लाइन है गाड़ी की। अकेले हो तो ना, यहाँ पे तो चलो 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 जाए। तो हम लोग अभी बटरफ्लाई वाटरफॉल्स के पास है और यहाँ पे टिकट्स काउंटर है, तो टिकट्स लेने के बाद हम लोग फॉल्स के पास ही जाएंगे। तो चलिए, 20 रुपीज ईच टिकट्स का प्राइस है और टिकट्स खरीदने के बाद हम लोग आगे बढ़ चुके हैं और ऑलरेडी बारिश भी शुरू हो गई है। इट्स अमेजिंग, कितना अच्छा लग रहा है, चारों तरफ पानी ही पानी। तो चलिए थोड़ा सा और आगे जाते हैं, एकदम नज़दीक से बटरफ्लाई फॉल्स का जो व्यू है वो हम लोग एक बार इन्जॉय करते हैं, महसूस करते हैं कि हम लोग पहाड़ पे आए हैं और इसका नेचर, इसका पानी, सब कुछ कितना फ्रेश, चारों तरफ फ्रेश एयर, फ्रेश पानी। मैं तो यहाँ का पानी पी भी चुकी हूँ, कितना फ्रेश है, उसका टेस्ट भी बहुत डिफरेंट है। अभी हम लोग बटरफ्लाई वाटरफॉल के पास है, यहाँ पे फोटो सेशन चल रहा है और बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा है और यहाँ पे बारिश भी शुरू हो गई है तो बहुत अच्छा लग रहा है। माउंटेन्स, उसके साथ वाटरफॉल्स और उसके साथ बारिश, ये कॉम्बिनेशन इतना खूबसूरत हो सकता है, मैं लाइफ में पहली बार इसको एक्सपीरियंस कर रही हूँ। मैं इतना ओवरवेल्म्ड हूँ, इतना सुपर एक्साइटेड हूँ कि मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं इस एक्सपीरियंस को मैं आप लोगों के साथ मतलब शेयर करूँ। इतनी खूबसूरत जगह में अपना मेमोरी क्रिएट करने का, अपना एक्सपीरियंस साथ में लेके जाने का एक ही ज़रिया है, वो है फ़ोटोज़। तो इसीलिए यहाँ पे आए हैं तो फ़ोटोज़ क्लिक नहीं किए तो क्या किए, तो इसीलिए फ़ोटो सेशन चालू है। हम सब का फ़ोटो सेशन एक एक करके हो रहा था, फ़िलहाल मेरा चल रहा है अभी फ़ोटो सेशन। तब तक आप लोग इस पूरे जगह को अच्छे से इन्जॉय कीजिए। नेचर के इतने करीब इतने अच्छी जगह में आके एक कप चाय नहीं पिए तो क्या पिए, तो इसीलिए ये जो कॉम्बिनेशन है वाटरफॉल्स, बारिश, माउंटेन्स और उसके साथ चाय अगर जुड़ जाए तो हम जैसे टी लवर का तो ज़िंदगी बदल जाते हैं। इतना अच्छा लग रहा था और मन ही नहीं कर रहा था यहाँ से जाने का, लेकिन फ़िलहाल हम लोगों को निकलना होगा क्योंकि लाचुंग यहाँ से बहुत दूर है, जाते जाते शाम हो जाएगा, तो इसीलिए लाचुंग की जर्नी हम लोग यहाँ से फिर से स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स गो। तो
हम लोग पहुंच चुके हैं हमारी नेक्स्ट पॉइंट पे। यहाँ पे हमारी जो ड्राइवर दादा है वो 10 मिनट का ब्रेक लेंगे। और जैसे कि आप देख सकते हो कितनी हेवी रेनफॉल हो रहा है, आज का फोरकास्ट भी वही है, हेवी रेनफॉल एंड इवनिंग के टाइम तो थंडरस्टॉर्म की भी फोरकास्ट है। तो हम लोग जितनी पहाड़ की ऊपर की तरफ जा रहे हैं उतनी बारिश तेज़ी से हो रही है और ठंड भी बहुत ज़्यादा है। तो फिलहाल हम लोग ये जो ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं, ये जो पॉइंट है इसका नाम है डिक्चू डैम, बहुत ही खूबसूरत है। ये एक जगह है जहाँ पे हम लोग एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ में मतलब जा रहे हैं और भी ऊपर की तरफ यहाँ से हम लोग जाएंगे। तो बहुत ही एक्साइटिंग सफ़र है, गैंगटॉक से लाचुंग का जो सफ़र वो बहुत ही एक्साइटिंग है, क्योंकि नीचे से और भी हम लोग ऊपर जितने जा रहे हैं टेम्परेचर फॉल कर रहे हैं, अमेजिंग फीलिंग है। तो ये भी एक पॉइंट है यहाँ पे 7 स्टेप्स वाटरफॉल्स। ये जो दूर से वाटरफॉल्स आप देख रहे हो ये बहुत ऊपर से गिर रहे हैं। हमारे जो ड्राइवर दादा है उसने बोला कि ये जो वाटरफॉल है ये 7 स्टेप्स में मतलब नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो इसीलिए इसका नाम 7 स्टेप्स वाटरफॉल। और मैंने सुना कि इसके आगे जाके अमिताभ बच्चन वाटरफॉल्स है जो उसके ऊँचाई के कारण जाना जाता है, तो उसको देखने के लिए मैं थोड़ी सी एक्साइटेड हूँ। तो लेट्स गो। फिलहाल हम लोग एक जगह में रुके हैं, यहाँ पे हमारी लंच ब्रेक है। पहाड़ी बिल्ली हमारी लंच थाली आ गई है, सिंपल दाल चावल फिश और कुछ फ्राइज, बहुत ही टेस्टी था। और यहाँ पे ना चावल के साथ कॉर्न्स भी बॉईल किया हुआ है तो बहुत टेस्टी लग रहा था खाने में। मैं तो बोलूँगी आप लोग पहाड़ में आएंगे तो सिंपल दाल चावल ही खाना, विच इज़ वेरी वेरी टेस्टी। तो चलिए हम लोग आ गए हैं द मोस्ट एक्साइटिंग वाटरफॉल्स, अमिताभ बच्चन वाटरफॉल्स। मैं कोशिश करूँगी इसको कैप्चर करने की, बहुत ऊँचाई से ये वाटरफॉल्स दिखाई दे रहा है। जैसे कि आप देख सकते हो कितना भीड़ भी है यहाँ पे, ये इतनी सारी वाटरफॉल्स में ये सबसे फेमस वाटरफॉल्स है। वाओ, बहुत ही खूबसूरत, बहुत खूबसूरत है ये वाटरफॉल्स। जितने सारे वाटरफॉल्स देखे हैं ये सबसे खूबसूरत वाटरफॉल्स है। तो चलिए अमिताभ बच्चन वाटरफॉल्स देखने के बाद हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे शाम भी हो गई है। तो फाइनली हम लोग लाचुंग पहुंच चुके हैं, लाचुंग विलेज के अंदर हम लोग आ गए हैं। और देखिए टनल से निकलते ही ये बहुत ही खूबसूरत और एक वाटरफॉल्स, अमेजिंग व्यू। तो चलिए हम सीधा आपसे मिलते हैं आज रात की जो हम लोग की होम स्टे है लाचुंग में, वहां पहुंच के। सो स्टे ट्यून्ड। तो फाइनली हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं, एक बहुत ही एक अच्छा होम स्टे है, मैं आपको घुमा के दिखाती हूँ। 2 रूम्स हम लोगों ने लिए हैं और बहुत ही ठंड है यहाँ पे, सीधा 11 डिग्री है अभी। कुंटा का रूम देखे नहीं, एक रूम तो हम लोग तो रूम पे आ चुके हैं, हम लोग इस वाले रूम पे हैं और उसके ठीक बगल वाले रूम पे मम्मा दीदी और जीजू रहेंगे। और इतनी ठंड है यहाँ पे कि हम लोग तो पूरी तरह से कांप रहे हैं ठंड पे। तो चाय पियेंगे थोड़ी देर में और उसके बाद सीधा डिनर करेंगे। तो आज की डिनर में है राइस, आलू भिंडी की सब्जी, चिकन और दाल। तो चलिए हम लोग फटाफट डिनर कर लेते हैं। कल एकदम अर्ली मॉर्निंग 7 बजे हम लोगों को निकल जाना है साइट सीन के लिए, वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा। तो आज की व्लॉग में यहीं पे ख़त्म करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ एंड स्टे ट्यून्ड।